दोस्तों, हम लोग आज द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है ये देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर द्रव्यमान और भार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज मास, आखिर द्रव्यमान क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इकाई अर्थात यूनिट। तो चलिए, पिंड के द्रव्यमान को पिंड में निहित पदार्थ या सामग्री की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पिंड के द्रव्यमान यानी पिंड में कोई भी वस्तु में जितना पदार्थ है उसी को द्रव्यमान कहते हैं और इसकी एसआई इकाई किलोग्राम है। अब हम लोग द्रव्यमान के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। क्योंकि पिंड में पदार्थ की मात्रा बदलने वाली नहीं है, नहीं बदलती है, जहां भी इसे लिया जाता है इसलिए शरीर या द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर किसी पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो वह 10 किलोग्राम तब भी रहेगा जब उसे पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाता है और यहाँ तक कि पृथ्वी के केंद्र में या शरीर को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसे किसी के पास ले जाया जाता है, अन्य ग्रह या जब यह खाली जगह में हो। पॉइंट नंबर 2, पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है क्योंकि पिंड में द्रव्य की मात्रा नष्ट नहीं हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, पिंड का द्रव्यमान पिंड की जड़ता का एक माप है। पॉइंट नंबर 4, पिंड का द्रव्यमान एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें केवल परिमाण है और कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए पिंड के द्रव्यमान को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके निकट अन्य पिंडों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, किसी पिंड के द्रव्यमान को एक सामान्य संतुलन यानी तराजू द्वारा मापा जाता है, माप सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेट अर्थात भार। पिंड के वजन को परिभाषित किया जाता है क्योंकि पिंड के साथ बल पृथ्वी के केंद्र को आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में, पिंड का वजन पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल है। 1 kg के पिंड का वजन 9.8 न्यूटन होता है। पिंड का वजन एक सदिश राशि है। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार 0 होता है। मास एंड वेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी, ये मास है। तो वेट क्या है? ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी, ये है मास में। हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वही वेट में दोनों होते हैं। दोनों क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मास का यूनिट है मेंसुरेशन, सॉरी केजी, और वही वेट का यूनिट है न्यूटन। मास को, मास के बारे में देखते हैं, इट रिमेन्स कंस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्लेस और लोकेशन। वेट के बारे में देखते हैं, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने पर बदल जाता है लेकिन मास नहीं बदलता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।